वज़ीर-ए-आज़म शेख बाशरत ने कौमी सलामती कमेटी का अजलास आज तलब कर लिया। कौमी सलामती कमेटी का अजलास दिन 2 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। अजलास में वफाकी वुज़रा और तीनों सर्विसेज चीफ शिरकत करेंगे। साबिक सूबाई वज़ीर और चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान मियां ज़ाहिद हुसैन ने कहा है कि हुकूमत को पेट्रोल महंगा करने की कड़वी गोली निकलना पड़ेगी। पेट्रोल मसनूआत महंगी ना की गई तो मुल्क में दिवालिया हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शेख बाशरत ने तेल की कीमत ना बढ़ाने का फैसला किया जो खुश आयन था, मगर खजाने में इसका बोझ उठाने की सकत नहीं। इस सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत को मुल्क को कौम के मुफाद में पेट्रोली मसनूआत की कीमत में इजाफे की कड़वी गोली निकलना पड़ेगी। ये कीमतें ना बढ़ाई गई तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, जबकि मौजूदा कीमतें बरकरार रखने से IMF से भी मजीद कर्जों का असूल नामुमकिन हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के मुफाद में तेल की कीमत ना बढ़ाने का फैसला किया था जो खुश आयन तो जरूर था, मगर मुल्क के खजाने में इसका बोझ उठाने की सकत नहीं है। अगर मौजूदा कीमतों को बरकरार रखा गया तो GDP का खसारा जो 5% रहने की तवक्को की जा रही थी 10% तक बढ़ने का। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क में बदअखलाकी और गद्दारी का कल्चर पैदा किया, अब बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे हमें निमटना है। और यानी हर चीज पे यू टर्न, हर चीज पे यू टर्न, जो पहले कहा है बिल्कुल बरक्स किया जब आप इक्तदार में आए। आप देख लें सारी वीडियोस, एक एक चीज पे, चाहे वो IMF के पास मैं जाऊंगा उससे पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। हमने तो आपको खुदकुशी करते हुए अभी तक नहीं देखा। तो ये इस तरह के बातें की ही नहीं, की उन्होंने की ये बातें, ये कोई पाकिस्तानी इन बातों को भुला नहीं सकता हो। तो मैं यानी कि इस बात पे मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा अफसोस है कि हमने पाकिस्तान जनरल वो इसलिए नहीं बनाया था कि इस तरह का आश्रय कर दिया जाए उसके साथ। तो इसको हमने ठीक करना है, रिपेयर करना है, जो डैमेज हो गया है उसको रिपेयर करना है। इसमें पाकिस्तान की तमाम पार्टी, चाहे वो बलूचिस्तान से हैं, चाहे वो अपना सिंध से हैं, या वो पंजाब से हैं, या खैबर पख्तून से हैं, मैं समझता हूँ कि सबको मिलकर बैठ के हमें इस मुल्क को इन सारे गंभीर मसाइल से बाहर निकालने के लिए सर जोड़कर बैठना होगा। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें KNN News Live।